11 अप्रैल को जहां अजय देवगन की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान रिलीज होगी, वहीं अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां भी इसी दिन थिएटर्स में पहुंच रही है। इंडस्ट्री में साथ में डेब्यू करने वाले इन स्टार्स के मूवी का क्लैश होना इतिहास में काफी ज्यादा पुराना है। आइए बात करते हैं कब कब ये दोनों थिएटर्स में आमने सामने आए हैं और नतीजा क्या रहा है। पिछले 3 दशक से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कामयाबी को लगभग 5 स्टार्स के कंधों पर ही रखा गया है। इसमें से 3 खान्स हैं और उसके बाद 2 बड़े नाम हैं, वो अजय देवगन और अक्षय कुमार ही हैं। इस साल ईद पर ये दोनों थिएटर्स में आमने सामने होंगे। आपको बता दें कि 11 अप्रैल को जहां अजय देवगन की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान रिलीज होगी, वहीं अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां भी इसी दिन थिएटर्स में पहुंच रही है। दोनों बड़े स्टार्स हैं, दोनों फिल्में बड़ी हैं और इसलिए थिएटर्स में दांव भी बड़ा है। मगर ये पहली बार नहीं है जब अजय और अक्षय की फिल्म थिएटर्स में आमने सामने होंगी। एक ही साल में काफी बार ऐसा हुआ है, जैसे 1998 में दोनों की फिल्म सीधे आमने सामने रिलीज हुई थी। उस साल अजय की प्यार तो होना ही था रिलीज हुई थी और अक्षय कुमार की अंगारे जो कि एक साथ रिलीज हुई थी, तो एक बार फिर अजय ने बाजी मार ली थी और अक्षय की फिल्म कमाल नहीं कर सकी थी। उसके बाद साल 2009 में अक्षय की ब्लू बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी, वहीं अजय की ऑल द बेस्ट सबसे कमाऊ कॉमेडी फिल्मों में से एक बन गई थी। अगर 2010 की बात करें तो अजय की सुपरहिट गोलमाल 3 के सामने अक्षय की एक्शन रिप्ले पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अक्षय कुमार की फिल्मों ने कमाल नहीं किया था। साल 2000 में अक्षय की फिल्म धड़कन और अजय की दीवाने रिलीज हुई थी, तब धड़कन सुपरहिट साबित हुई और अजय की फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। 2004 में अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों अक्षय कुमार की रिलीज हुई थी, जहां अजय देवगन की रेनकोट कोई कमाल नहीं दिखा सकी। अब देखना होगा कि अजय की मैदान अक्षय की बड़े मियां छोटे मियां से कम स्क्रीन पर रिलीज होगी। अक्षय के साथ फिल्म में टाइगर श्रॉफ भी है और फिल्म की कास्ट लंबी चौड़ी है। ऊपर से मसाला एक्शन एंटरटेनर है, ऐसे में देखना है कि अजय की फिल्म को जनता से कैसा रिएक्शन मिलता है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।